लेट अस सपोज आपके पास ये एक ट्रॉली है, बॉक्स है, जो मर्जी मान लें, और इसको मैं आगे की तरफ एक्सलरेट करवा रहा हूँ ए। इस ट्रॉली के आगे या इस बॉक्स के आगे एक ब्लॉक है, ये रहा वो ब्लॉक। ये ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक है, बनाओ साहब का डायग्राम, 5 kg का ब्लॉक है हवा में, ठीक। यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, सच दैट कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.1 है। क्वेश्चन है कि बताओ मैं कितनी मिनिमम एक्सलरेशन से इसे एक्सलरेट करवाऊं ताकि 5 kg का ब्लॉक रेस्ट पे ही रहे, जैसा है वैसी रहे, नीचे ना गिरे। और ये फेविकोल से चिपका नहीं हुआ भाई, ये ऐसे ही रखा हुआ है, बस जहां ट्रॉली रुकी वहां ये नीचे गिरा। तो ऐसा हो सकता है वैसे यार, कभी देखा है तुमने ऐसा होता? देखा है वो छोटे बच्चे क्लास में, जब छोटे वो कॉपीज लेके यहाँ कॉपी रखते हैं और कहते हैं देख जादू दिखाऊं, कॉपी गिरेगी नहीं, ये देखो ऐसे मूव करते, कॉपी गिरती नहीं, क्योंकि कॉपी के ऊपर क्या लगती है, सूडो फोर्स, वो दबाती है पेज को। तो जब तुम बहुत तेज एक बॉडी को आगे लेके जाते हो तो तुम स्लो लेके जाओगे वो गिर जाएगी, तुम बहुत तेज लेके जाओगे वो नहीं गिरेगी, ऐसा ही तो हो रहा है। तो ये बेसिकली एक्सलरेट करवा रहे हैं, और सच दैट 5 kg का ब्लॉक रेस्ट पे है, और जहां तुमने इसको स्लो डाउन कर दिया ये नीचे गिर जाएगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन, बताओ इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है 5 kg का? फाइव जी नहीं होगा, वो कहते 5G होगा, जीरो तो हो, फिर फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन जीरो मत बोल देना, फ्रिक्शन जीरो कर दूंगा, और फ्रिक्शन जीरो है नीचे गिर जाएगी। अच्छा चलो आप बस मुझे पहले ये बताओ, 5 kg का ब्लॉक हर वक्त नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, मानते हो? तुमने अगर इसको रोक दिया, ट्रॉली को रोक दिया, 5 kg का ब्लॉक सबसे पहला होगा जो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो इसकी पहली फोर्स डाउनवर्ड कितनी है? 5G। तो बना लो 5G, तो 5G वेट से नीचे गिरेगा गिरेगा। कौन बचाएगा इसे गिरने से, कौन बचाएगा? फ्रिक्शन यार, तुम दीवार पे अगर चिपक गए हो, सोचो किसी तरीके से, तो तुम्हें कौन बचाएगी? सूडो फोर्स, तुम्हें कौन बचा? इतनी फिजिक्स मत पढ़ो यार कि तुम बेसिक्स भूल जाओ, मतलब कौन बचाएगा? दीवार की रफनेस ना, अगर वो स्लिपरी होएगी तुम चिपक कैसे सकते हो, मुझे बताओ? थोड़ी सी अगर रफ होएगी, अच्छी खासी रफ होगी, तो शायद तुम चिपक भी जाओ, ऐसे ही है। तो इसका मतलब कौन बचाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कहाँ करेगी 5 kg के ऊपर, राइट की लेफ्ट? तुम अपना बोलो, राइट की लेफ्ट, अप की डाउन? तुम राइट लेफ्ट सोच भी कैसे सकते हो, क्योंकि अपवर्ड्स, अपवर्ड भाई अपवर्ड्स, कैसे अपवर्ड्स? क्योंकि ये कहां गिरने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे। तो न्यूटन को याद करो यार, वो कहता है बिना फोर्स के बच कैसे सकते हो, तो फ्रिक्शन ही बचाएगी। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आता कि फ्रिक्शन ऊपर है, तो तुम एक काम करना, ध्यान से नोट करना, कोई अगर अगर कोई गीली दीवार है ना, तो चिपक गीली, बिल्कुल गीली पड़ी है, तो चिपकने की कोशिश करना, और नीचे गिरोगे वो तो लाइन बनेगी ना, वो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लग रही है, क्योंकि फ्रिक्शन है ना, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन बचाएगी। तो जब ये ब्लॉक 5 kg कहाँ आएगा मुझे बताओ, नीचे। जब ये 5 kg कहाँ गिर रहा होगा, नीचे, या गिरने की कोशिश करेगा नीचे, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी एफ। अब ये बताओ ये फ्रिक्शन कौन सी होगी, काइनेटिक की स्टैटिक? कितने लोग बोलते हैं काइनेटिक, कितने बोलते हैं स्टैटिक? ये स्टैटिक है, तुम्हें इससे क्या मतलब? देखो अगर तुम कहो सर ये आगे चल रहा है, क्वेश्चन आगे चलने का है ही नहीं, तुम क्वेश्चन है कि 5 kg का ब्लॉक कहीं गिर ना जाए, तो 5 kg का ब्लॉक तो अल्टीमेटली फ्रिक्शन ने रोक लिया, तो इसकी मोशन सिर्फ 5 kg का। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ट्रॉली को मत देखो, 5 kg का ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा हुआ है और फ्रिक्शन ने बचाया हुआ है, तो ये स्लाइड नहीं कर रहा दीवार के ऊपर, और
और क्योंकि ये स्लाइड नहीं कर रहा तो इसके ब्लॉक में फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं होगी, तो कौन सी होगी? स्टैटिक। ये भी ठीक हो गया यहाँ तक? ये तो बॉक्स के हिसाब से, यहाँ ग्राउंड तो है ही नहीं ना, क्योंकि ब्लॉक तो हवा में लटका पड़ा है। मैंने कहा वो नीचे गिर नहीं रहा, वो तो उसको तो रोक के रखना है, क्योंकि 5 kg मस्ट लाई एट रेस्ट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दो, इसमें एक फोर्स और लगेगी 5 kg के ऊपर, बोलो कौन सी? हाँ कौन सी? अच्छा नॉर्मल रिएक्शन बोलो क्या इसमें? 5g। ठीक है, मतलब कि ये हवा पे फोर्स लगा रहा है 5g, हवा इसके ऊपर फोर्स लगा रही है 5g, ये उत्तर नहीं, ग्राउंड ही नहीं, 5 kg का लोग हवा में लटका पड़ा है, इसका ग्राउंड ये तो है ही नहीं ना, इसका तो ये सरफेस है, तो एक्चुअल में तो सरफेस ये है, ग्राउंड में तो है ही नहीं है, ग्राउंड तो टच ही नहीं कर रहा, तो ग्राउंड तो इसको ऊपर एन लगाएगा ही नहीं। तो होगा क्या, जब ये ट्रॉली इधर जा रही होगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो इसके ऊपर पीछे फोर्स लगेगी सूडो फोर्स, कितनी? 5A। तो ये ब्लॉक इसे फोर्स लगा रहा है 5A, तो बदले में ये ट्रॉली भी इसके ऊपर क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस केस में बोलो कितनी होगी? 5A। तो एन की वैल्यू 5A। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? अब लास्ट स्टेप, तुम्हारा काम क्या है? ब्लॉक को रोक के रखने का काम है। ब्लॉक तब रुकेगा जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5g। भाई वेट के इक्वल हो तो भी चलेगा, और रफनेस हो फिर तो मजा ही आ गया, फिर तो बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा। तो फोर्स ऑफ जितनी मर्जी बड़ी हो। हाँ जी बोलो। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? हाँ, मैंने बोला 5 kg का ब्लॉक नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है अपने वेट से। मैंने बोला कि ये ट्रॉली आगे एक्सेलरेट कर रही है, जब ये ट्रॉली आगे एक्सेलरेट करेगी तो इस ब्लॉक पे पीछे सूडो फोर्स लगेगी 5 × a, और क्योंकि ये ब्लॉक इस पे 5A फोर्स लगा रहा है, तो बदले में ये ट्रॉली इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है एन, तो एन की जगह यहां पर क्या होगा? 5A। यहां पर एन mg नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस है और नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स कितनी लग रही है? 5A। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितनी है? 5A। अब मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये ब्लॉक मैं चाहता हूं रेस्ट पे रहे, तो मैं गाड़ी को बहुत तेज चलाना चाहता हूं, बहुत एक्सेलरेट करवाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्सेलरेट करवाऊंगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 5g। म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन की जगह ma ग्रेटर देन इक्वल टू 5g, ये रहा। और यहां से म्यू की वैल्यू 0.1 है, 0.1, एम की वैल्यू 5 और इंटू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 × g, 5 से 5 कट गया, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 0.1। अब इसका मतलब अगर ये 10 है तो ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 m/s², तो आपकी एक्सेलरेशन इससे बड़ी होनी चाहिए। तो किसी ने कहा सर 200 कर देता हूँ, 300 कर देता हूँ, 3000 कर देता हूँ, 3 लाख कर, मैं नहीं नहीं तू मिनिमम बता, मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी? कितने लोग बोलते हैं सिर्फ 100, ग्रेटर देन हटा दो तो मिनिमम आ जाएगी। अच्छा, जो नहीं समझ पाए मुझे एक आंसर दें। मेरे मैथ्स में टीचर ने मुझे बोला कि जो आपके जो मार्क्स हैं ना पास होने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 33 चाहिए। अच्छा मैं समझ गया, मिनिमम कितने लेने पड़ेंगे? तो जब मैं लिखूंगा मिनिमम मार्क्स तो फिर मैं ग्रेटर देन हटा दूंगा, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ पास ही होना है, तो 33 तो इक्वल टू आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक? तो इनइक्वालिटी हट गई। तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन से बड़ी तो हो सकती है, पर क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड मिनिमम है तो यहाँ पर इक्वल टू मार्क करके आंसर मार्क कर देना।